हाउ टू से इन इंग्लिश एटीएम तो बस यही है, एटीएम तो बस यही है, पास में ही है। आपने अक्सर कुछ लोगों सुना होगा सेंटेंस बोलते हुए, एटीएम पास में ही है, हॉस्पिटल यही बस यही है, कोई जादू थोड़ी ना है। जब कुछ ही बोलते हैं पास में ही है और यही है, तो आप बोल सकते हो एटीएम इज जस्ट अ स्टोन थ्रो अवे। जस्ट स्टोन थ्रो अवे क्या होता है, कोई चीज पास में ही है, तो आप बोल सकते हो जस्ट अ स्टोन थ्रो अवे, मतलब यहाँ से पत्थर फेंकोगे एटीएम में गिरेगा। तो आपने कहा हॉस्पिटल पास में ही है, तो हॉस्पिटल इज जस्ट अ स्टोन थ्रो अवे। स्टोन थ्रो अवे मतलब कोई चीज पास में होना, तो स्टोन थ्रो अवे। सर यूज हाउ टू से सर साहिब तो एकदम सूखी हड्डी है, बहुत पतला इंसान है, सूखी हड्डी व्यक्ति, उसी को मजाकिया तरह से बोल सकते हो, तो बोलते हैं स्किन एंड बोन। तो साहिल इज अ स्किन एंड बोन, ही इज स्किन एंड बोन, शी इज स्किन एंड बोन, मतलब उसमें क्या है, खाल है और हड्डी है बस, ऑब्वियसली। तो साहिल इज स्किन एंड बोन, और आपके कोई फीमेल है तो शी इज अ स्किन एंड बोन, मतलब सूखी हड्डी है, खत्म एकदम माइनस में है, तो स्किन एंड बोन बोल सकते हो। सर हाउ टू स्पीक इन इंग्लिश, उसको अपने गुस्से पर नियंत्रण करना सीखना चाहिए। ही मस्ट लर्न हाउ टू स्टॉप हिज एंगर, हाउ टू कंट्रोल हिज एंगर, ही मस्ट लर्न हाउ टू कंट्रोल हिज एंगर। लेकिन इसी कंट्रोल को एक वर्ड को यूज हुआ करता है, अंकुश देना, विराम लगाना, कम करना, तो बोल सकते कब, यह वर्ड यूज होते कब, तो ही मस्ट लर्न हाउ टू कर्ब हिज एंगर, ही मस्ट लर्न हाउ टू कर्ब हिज एंगर। सरकार उस पर बंदिशें लगाने की प्लान कर रही है, तो गवर्नमेंट इज प्लानिंग टू कर्ब पर्टिकुलर थिंग, किसी चीज पर आपको पाउंड लगाना तो कब बोल सकते हो, तो कब ये वर्ड यूज कर सकते हो, नियंत्रण लगाने के लिए, अंकुश लगाने के लिए, कम करने के लिए, तो कब। यू मस्ट कर्ब कब ऑन हैविंग लिकर, आप नियंत्रण करना चाहिए। यू मस्ट कर्ब ऑन योर एंगर, यू मस्ट कर्ब यूजिंग मोबाइल फोन, ये सब यूज कर सकते हो, आपका एक्शन भी है और नो एक्शन भी है। हर कोई अपनी इच्छा के अनुसार नौकरी चाहता है, इच्छा के अनुसार, एवरीबडी वॉन्ट्स डिजायर्ड जॉब, एवरीबडी वॉन्ट्स हिज डिजायर्ड जॉब, ये सेंटेंस होगा सिंपल सेंटेंस। तो इस तरह जॉब को बोल सकते हैं प्लम जॉब, प्लम जॉब, तो एवरीबॉडी वांट्स प्लम जॉब, ऐसी जॉब जैसे आप चाहते हो, अच्छा खासा पैसा मिल रहा है आपको, ज्यादा कुछ खास काम भी नहीं है, तो आप बोल सकते हैं प्लम जॉब, एवरीबॉडी वांट्स प्लम जॉब, तो प्लम जॉब, प्लम आइडिया, प्लम प्लेस, कोई भी चीज ऐसी जो आपको, जो आपके मन पसंद है, जो आपको ना अच्छा लगता है, तो बोलते हैं प्लम, तो एवरीबॉडी वांट्स प्लम जॉब, ऐसा भी यूज कर सकते हैं। How to say sir, जल्दी सोचकर बताइए, मेरे पास समय नहीं है। क्या मेरे पास समय नहीं है, तो I don't have time, think quicker, आप बोलते think quicker, जल्दी सोचने को, अगर आप idiomatic तरीके से बोलना चाहते बोल सकते हो think on your feet, think on your feet मतलब ये है कि आप तुरंत किसी को डिसीजन ले पाते हो, तुरंत सोच पाते हो, जल्दी सोच पाते हो, तो think on your feet। इस वर्ड का मैं आपको बकायदा एक इंग्लिश में एग्जाम्पल लेकर के वीडियो भी बनाऊंगा, so you can stay tuned with us, लेकिन सब यूज कर, think on your feet मतलब ये है जल्दी सोच के बताना, तुरंत डिसीजन ले पाना और उस पर एक्ट कर पाना, सोच विचार करके एक्ट कर पाना तुरंत ही, तो उसे बोलते हैं थिंक ऑन योर फीट। तो उन्होंने कहा आई डोंट हैव, प्लीज थिंक ऑन योर फीट, आई डोंट हैव टाइम। आप घर पर जाके किसी व्यक्ति को पार्टी में लेके जा रहे हो, हाँ अभी चल रहा है मेरे साथ में, अब चल रहा हूँ, अभी चलना चल रहे ना यार, जल्दी बता सोच के, थिंक ऑन योर फीट एंड कम फास्ट विद मी इफ यू आर विलिंग, आना चाहते हो आने रहने बता, तो थिंक ऑन योर फीट, ऐसा भी यूज कर सकते हो। सर हाउ टू से मुझे माफ करना अगर मैं तुम्हारे पर्सनल मैटर में घुस रही हूं, तो मुझे माफ करना अगर मैं आपके पर्सनल मैटर में ज्यादा घुस रहा हूं, तो कभी कभी ऐसा होता है किसी व्यक्ति पर्सनल मैटर में, पर्सनल जो कोई लोग बातें कर रहे हैं आप उसमें ज्यादा इंटरफेयर करते हो, तो हम यूज करते हैं ओवरस्टेप, ओवरस्टेप, तो बोलते एक्सक्यूज मी इफ आई एम ओवरस्टेपिंग इन योर रिलेशन, अगर मैं आपके मामले में पर्सनल मैटर में ज्यादा हस्तक्षेप कर रहा हूं या ज्यादा घुस रहा हूं तो मैं माफ करना, तो एक्सक्यूज भी बोल सकती हो या बोल सकती हो आई एम सॉरी इफ आई एम ओवरस्टेपिंग इन योर पर्सनल मैटर, इस सब यूज कर सकते हो सेंटेंस को। तो ओवरस्टेप मतलब होता है किसी पर्सनल चीजों में ज्यादा जाना, अपनी लिमिट को क्रॉस कर देना, हदें पार कर देना और काफी ज्यादा बोल जाना, ओवरस्टेप। तो डोंट ओवरस्टेप इन माय पर्सनल रिलेशन, डोंट ओवरस्टेप इन माय पर्सनल मैटर्स, मेरे पर्सनल घर की बात है, हमारी फैमिली वाली बात है, कोई पड़ोसी आगे बोल रहा है आपके बारे में, अब बोल सकते हो डोंट ओवरस्टेप इन माय फैमिली मैटर, ऐसा बना सकते हो। सर हाउ टू से आपकी दाल यहाँ नहीं गलेगी, आपकी दाल यहाँ नहीं गलेगी, तो दाल क्या होता है, कट नो आइस, तो यू वॉन्ट कट आइस हियर, यू वॉन्ट कट नो आइस विद मी, कट आइस मतलब ये होता है कि दाल गलना या कोई चीज जो आप बताना चाह रहे हो वो कर पाना, जो आप सोच रहे हो वो हो जाए, तो कट आइस समवन, तो कट आइस विद समवन, तो यू कांट कट आइस विद मी, मेरे साथ ये दाल नहीं गलेगी, आपके यहाँ दाल नहीं गलेगी, इट वॉन्ट कट एंड इट वॉन्ट कट आइस हियर, यहाँ दाल नहीं गलने वाली।
idiomatic and some phrasal verb sentences which can use in your common language. कुछ advanced sentences आप use कर सकते हो अपनी spoken language में. So English सीखने के लिए चल रहे थे English. Like, share, subscribe.